Well, hello everyone. My name is Akash Singh and you are watching Sangeetistan Studios YouTube channel. So, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाउ टू एंगेज पब्लिक वाइल सिंगिंग, यानी जब आप स्टेज पे परफॉर्म कर रहे हैं तो उस दौरान आपको किस तरह एक माहौल बना के रखना है, एक एंगेजमेंट क्रिएट करनी है सो दैट आपका जो परफॉर्मेंस है वो इंटरेस्टिंग बना रहे एंड उससे कोई बोर ना हो। तो उसके लिए क्या क्या टिप्स हैं, क्या क्या टेक्निक्स हैं जो आप लोगों को ध्यान रखनी है, जिससे कि क्या होगा कि आपका और पब्लिक का जो कनेक्शन है वो बरकरार रहेगा, बना रहेगा। सो एज अ सिंगर एंगेजिंग एक बहुत असेंशियल पार्ट है हमारी परफॉर्मेंस का वाइल सिंगिंग ऑन स्टेज। सो टिप नंबर वन, मेक आई कॉन्टैक्ट। जी हाँ, आई कॉन्टैक्ट बनाना बहुत ज़रूरी है वाइल परफॉर्मिंग ऑन स्टेज। तो कहीं भी अगर आप परफॉर्म कर रहे हैं तो आई कॉन्टैक्ट बनाना बहुत ज़रूरी है। सो आई कॉन्टैक्ट हम किस तरह बना सकते हैं? लुक एट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ऑडियंस वाइल सिंगिंग। सो आपको ये बिल्कुल नहीं करना है कि आप एक जगह खड़े होकर गा रहे हैं एंड कहीं एक पर्टिकुलर चीज़ को आप देख रहे हैं एंड बस आपका ध्यान उसी पर है। सो उससे क्या होगा, जो आपका और पब्लिक का कनेक्शन है वो कहीं ना कहीं ब्रेक होना स्टार्ट हो जाएगा। सो वाइल परफॉर्मिंग आपको कभी लेफ्ट, कभी सामने, कभी राइट मूव करते रहना है एंड पब्लिक से आई कॉन्टैक्ट बना के रखना है सो दैट पब्लिक जो है वो इंगेज रहे, इंटरेस्ट बना रहे और आपका कनेक्शन ना टूटे। सो मूव अराउंड द स्टेज एंड इंटरैक्ट विद द ऑडियंस। एंड अगर आप कहीं लाइव गा रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि आपके साथ आपके बैकग्राउंड में बैंड भी होगा, सो आप उनके साथ भी इंटरैक्ट करिए सो दैट एक फ्लो बना रहे सिंगर और बैंड का, जिससे कि क्या होगा, जो परफॉर्मेंस है वो कहीं ज़्यादा गुना निखर के सामने आएगी एंड जो इंटरेक्शन है आपका और पब्लिक का वो भी बढ़ जाएगा। और क्या चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी चाहिए? यूज़ हैंड जेस्चर्स। सपोज आपने राइट हैंड से माइक पकड़ा हुआ है, सो जो आपका लेफ्ट हैंड है उसको आप मूव कराते रहिए सो दैट जो म्यूज़िक का इमोशन है उससे आप रिलेट कर पाएं। सपोज हम कोई गाना गा रहे हैं, क्या हुआ तेरा वादा वो कसम वो इरादा। सो जो हैंड मूवमेंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी इमोशन को पकड़ने के लिए। देन अनदर टिप, टॉक टू द ऑडियंस वाइल सिंगिंग। सो ड्यूरिंग सिंगिंग स्थाई और अंतरे के बीच में जो म्यूज़िक प्ले होता है तो उसमें हमारा कोई रोल नहीं है, उसमें सिर्फ इंस्ट्रूमेंट्स प्ले हो रहे हैं। सो उस दौरान आप पब्लिक से कुछ ना कुछ बातें कर सकते हैं, जो भी आप सॉन्ग परफॉर्म कर रहे हैं उसका इमोशन क्या है, वो किस बारे में है, सैड है, हैप्पी है, किस तरह का है, तो जो भी आपको उसके लिरिक्स से समझ आ रहा है तो आप उसके बारे में ऑडियंस से बात कर सकते हैं, उसका मीनिंग बता सकते हैं। सपोज जैसे सॉन्ग है हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते, हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते, सो इसमें क्या है कि आप बोल सकते हैं कि ये एक रोमांटिक सॉन्ग है एंड जो लोग भी प्यार में हैं सो वो अपने चाहने वाले को ये गाना डेडिकेट कर सकते हैं। सो इससे क्या होता है कि एक कॉन्वर्सेशन चलती रहती है ड्यूरिंग सिंगिंग। ये बहुत ऑकवर्ड लगता है कि अगर आप सिंगिंग कर रहे हैं एंड उसके बीच में अगर म्यूज़िक प्ले हो रहा है तो आप सिर्फ स्टेज पर खड़े हैं, तो उस दौरान आपके पास कुछ ना कुछ बोलने के लिए होना चाहिए सो दैट एक जो कनेक्शन है आपका और पब्लिक का वो टूटे ना। और ऐसी क्या चीज़ है जिससे कि हम पब्लिक के साथ और इंगेज हो सके? एनकरेज पार्टिसिपेशन ड्यूरिंग सिंगिंग। आप पब्लिक को एनकरेज करिए टू सिंग अलॉन्ग विद यू एंड आप उनको बोल सकते हैं फॉर क्लैपिंग अकॉर्डिंग टू द बीट, अकॉर्डिंग टू द म्यूजिक। एंड इफ योर सॉन्ग इज अ डांस काइंड ऑफ सॉन्ग देन आप पब्लिक को एनकरेज करिए फॉर डांस टू द म्यूजिक। दिस कैन क्रिएट अ फन एंड एंगेजिंग एटमोसफेयर जो कि आपको बहुत बहुत हेल्प करेगा टू बिल्ड अ कनेक्शन विद द ऑडियंस। एंड इन द लास्ट, शो ग्रैटिट्यूड। मीन्स आप पब्लिक को अप्रिसिएट कर सकते हैं फॉर बींग विद यू थ्रू आउट द परफॉर्मेंस बाई सेइंग थैंक यू एवरी वन फॉर कमिंग एंड एनकरेज मी एंड माई परफॉर्मेंस, थैंक यू सो मच। सो ये सारी टिप्स आपको काफ़ी हेल्प करेंगी टू एंगेज योर पब्लिक एंड टू कनेक्ट विद योर ऑडियंस। रिमेंबर वन थिंग, एंगेजिंग विद द ऑडियंस टेक्स प्रैक्टिस, सो कीप प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटिंग विद द डिफरेंट टेक्निक्स टू फाइंड वॉट वर्क्स बेस्ट फॉर यू। सो आई होप कि आपको इस वीडियो से सीखने को मिला होगा कि आप किस तरह अपना और अपनी पब्लिक का कनेक्शन बिल्ड कर सकते हैं, किस तरह उसे बूस्ट कर सकते हैं सो दैट आपकी जो परफॉर्मेंस है वो कहीं गुना ज़्यादा इम्पैक्टफुल लगे और पब्लिक और आपका जो बॉन्ड है वो टूटे ना। सो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, आपके सब्सक्राइब करने से मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिलता है इस तरह की इंटरेस्टिंग एंड वैल्यूएबल वीडियोस बनाने का। सो कीप सपोर्ट मी एंड कीप सब्सक्राइब दिस चैनल एंड येस प्रेस द बेल आइकन टू गेट मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज इंस्टेंटली। एंड येस हमारे संगीतस्थान स्टूडियोज चैनल पर आपको एक पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी हाउ टू सिंग सीरीज की, जिसमें कि आपको बहुत सारे हिंदी सॉन्ग्स सीखने को मिलेंगे, सो यू कैन चेक दैट ऑल्सो। And if you want to learn singing,
personally, then definitely you can contact me. That video link you'll get in the description box. And साथ ही साथ आपको ऊपर आई बटन में भी उसका वीडियो मिल जाएगा. So go and check it out that video so that आपको क्लासेस से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मिल सके. So मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में. Till then, goodbye. Take care.